छतरपुर एसपी ऑफिस में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक महिला ग्रामीणों के साथ अपने ऊपर केरोसिन का तेल डालकर पहुंच गई और अपने ऊपर आग लगाने की धमकी देने लगी। महिला ने आरोप लगाया कि जमीन विवाद के चलते उसके बेटे पर जबरन हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला द्वारा आत्मदाह की धमकी देने की सूचना पर भारी पुलिस बल एसपी ऑफिस पहुंच गया और महिला को समझाने लगा। महिला का आरोप है कि उसके बेटे सनी सिंह चंदेल पर जमीनी विवाद को लेकर हरिजन एक्ट का मामला अजाक थाने में दर्ज किया गया है, जिसकी शिकायत महिला अपने परिजनों और धरारी गांव के ग्रामीणों के साथ एसपी ऑफिस करने पहुंची थी। उसका आरोप है कि उसके बेटे और परिजनों को जमीन विवाद की वजह से झूठी शिकायतें थाने में की गई हैं और जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान है। लोगों ने हरिजन एक्ट को हथियार के तौर पर उपयोग करना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ हरिजन एक्ट का मामला दर्ज हुआ था, जिससे कोर्ट ने जेल भेज दिया गया है। मैं अपने लड़के को शिकायत करने आई हूँ, सुनवाई नहीं होती है मेरी, तो मैं सुनवाई करने आई हूँ अपने लड़के को छुड़वाने। क्या मामला हो गया है? जमीन का मामला है, मेरे जेठ की जमीन में फिर भी इन लोग कब्जा करते हैं। मेरे ऊपर झूठी मूठी को केस करके लड़कों को हरिजन एक्ट लगा करके या जेल भिजवाते हैं, मारपीट लड़कों के साथ करते हैं। लड़के हमारे घर में नहीं रह पाते, लुक लुक के यहाँ भागते रहते हैं। ये लोग परेशान करे, सनी सिंह चंदेल के ऊपर हरिजन एक्ट लगा दिया। पुलिस पकड़ ले गई जी? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हरिजन एक्ट उसमें लगा है तो उसको जेल जाना है। दिनांक 9 तारीख को थाना एजेके में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, धारा 327, 323, 254, 506, 3 1 दा 3 1 घा 3 2 5 SC ST एक्ट का, जिसमें फरियादी भरत अहिरवार फरियादी था, सोनू चंदेल जिसमें आरोपी था उसकी गिरफ्तारी को लेकर के वो लोग वहाँ SP ऑफिस गए थे कि इसके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।